मेरे सभी भाइयों और बहनों और छोटे बहन भाइयों जो भी, सबको मेरा राधे राधे, मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल चंदीला सिस्टर्स में। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और शादियाँ एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है। और आप में से कितने लोगों की शादी अभी है? कुछ की हो चुकी होगी, कुछ की है और कुछ की होने वाली होगी। तो भाई जिस जिसकी शादी है उसको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, वैसे मुझे इन्विटेशन दे देना, ठीक है? ओके, तो भाई आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिल्वर एंकलेट कलेक्शन, और जो कि मेरा खुद का है, मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं किया। वैसे किया भी है, एक तो ही मुझे जो है बस गिफ्ट किए हुए हैं, बाकी के सारे मेरे खुद के परचेजिंग हैं। और कुछ मेरी शादी के भी हैं, कुछ मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किए हैं, कुछ मेरे हस्बैंड ने भी मुझे गिफ्ट किए हैं। अभी तो मैंने कहा था मुझे गिफ्ट नहीं करें, पर करें भी है। तो भाई जो भी है, जैसा भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ, आपको ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ। तो शुरू करती हूँ मैं आपका अपना एंकलेट कलेक्शन दिखाना। अगर किसी को पसंद आए तो मुझे नीचे कमेंट्स में एक थंबनेल जरूर दे दीजिएगा, ऐसे ऐसे वाला। और अगर किसी को पसंद आता है तो वो अपने लिए ऑर्डर पे बनवा भी सकता है। मैं पहले छोटी से शुरू करूँगी और फिर बड़ी से बड़ी तक आपको दिखाऊंगी। तो चलो पहले सबसे पहले शुरू करके, तो भाई मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे से शुरू करती हूँ और बड़े तक दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रीसेंट परचेजिंग। ये देखिए, टिंग टोंग। तो ये है मेरी सबसे पहली परचेजिंग, ठीक है? अभी की, सबसे पहली नहीं है, अभी की परचेजिंग है। और इसमें कोई हुक नहीं है। एंड आजकल जो लोग ऑफिस गोइंग जो लड़कियां होती है, अगर किसी को पहननी है, अपने एक पैर में पहनते हैं ना आजकल, एक पैर में फैशन होता है, तो ऐसे इसको, इसमें कोई हुक नहीं है, कोई लॉक नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको ऐसे ही बस पहन लेते हैं, इसमें कोई भी हुक नहीं है, कुछ नहीं है। और ये देखिए है ना, कितनी अच्छी लग रही है, कोई हुक नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल। आप इसे जीन्स के साथ, सूट के साथ, पजामी के साथ, किसी के साथ भी पहनो, साड़ी में किसी में भी पहनो, बहुत सुंदर लगती है। और ऑफिस गोइंग के लिए तो ये सबसे बेस्ट है, एक अकेले एक पैर में भी पहनते हैं। तो सबसे पहली हो गई ये, ठीक है? ज़्यादा बकवास नहीं करती, ज़्यादा लंबी हो जाएगी मेरी वीडियो। एंड दूसरी ये देखिए, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, ये देखो, ठीक है? ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, काले मोती के साथ, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैंने भी ले लिया, अगर ट्रेंड में है तो मैं क्यों ट्रेंड से पीछे रहूँ। तो एक ये देखिए, इसे भी एक पैर में पहन सकते हैं या दो पैर में पहन सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, चाहे इसे जैसे पहनो। तो ये देखो, ये भी बहुत सुंदर। ये वाली, इसमें देखो, इसमें ये ईवल आई है, ठीक है? ये दो तरह की आती है, तो इसमें ईवल आई है। आप चाहे तो इस ऐसे भी ले सकते हो, चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं। अच्छी लगती है, नज़र से भी बचाती है, लोगों की बड़ी बुरी नज़र है। तो ये हो गई तीन, ठीक है? उसके बाद एक ये देखो, देखिए ये मुझे गिफ्ट की है, ये मुझे दी है मेरी बड़ी मम्मी ने, और ये बड़ी मम्मी ने दी थी मेरे भतीजे होने पे, जब मेरा भतीजा हुआ था और मैं उसके वहाँ पे गई थी हवन में, तब मुझे मेरी मम्मी ने दी थी मुझको, ठीक है? ये देखो, अभी तक मैंने पहनी नहीं है, बट फिर भी ये थोड़ी पुरानी पुरानी सी हो गई है, पता नहीं क्यों हो गई है, देखो, ठीक है? तो एक ये हो गई है, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट करी है। वो मुझे गिफ्ट नहीं भी करती तो मैं उसे छीन लेती हूँ, एक तरह से गिफ्ट हो जाता है। ये देखिए, ठीक है? अगर आपको इनमें से कोई पसंद आती है तो आप ऑर्डर देके बनवा भी सकते हैं, आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बन जाएंगी, ठीक है? आप अपने ज्वेलर पे जाके बनवा सकते हैं। तो एक ये हो गई है, ठीक है? और एक ये देखिए, ये गुत्थ वाली है, पहले बहुत चली थी, थोड़ी बीच में से पता नहीं क्या हो गया, इसको तांबा सा निकल गया, ये मिलावट की पहचान है। तो ये देखिए, एक ये है गुत्थ वाली, और ये बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा ये कपड़ों में अलझती है। मैंने दो तीन बार सिर्फ इसे पहना था, दो तीन दिन पहना था, और ये कपड़ों में अलझती है। तो ऐसी तो आप कोई भी ना ले, मैं रिकमेंड करूँगी, अगर कोई लेने जा रहा है और ये गुत्थ वाली गूंज वाली दिखाई दे तो बिल्कुल परचेज मत करना, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल है और तार निकल जाते हैं इनके, और जो बहुत ज़्यादा चुभते हैं। बाकी की सारी जो है वो कंफर्टेबल है, उनमें कोई इशू नहीं है, तो वो अच्छी है, ठीक है? उसके बाद एक ये देखिए, आजकल बड़ी ही ट्रेंड में जा रही है, जो कि एंटीक, ये वाली एंटीक में है, ठीक है? ये देखो, इसका ये हुक है,
ठीक। इसमें जो ये हुक है, इसका हुक बहुत अलग तरीके का है, ये देखो ठीक। इसको बस इसमें ऐसे करो और ये हो गई, ठीक है। ये अभी की ट्रेंड में है, ये भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही परचेज की थी करवा चौथ के आसपास, ठीक है। ये भी बहुत सुंदर लगती है पहनने पे। और कौन सी है, हाँ एक ये देखिए, ये मुझे 3-4 साल हो गए इसको, ये मैंने अपने करवा चौथ पे ही ली थी 3-4 साल पहले, ठीक है। देखिए तो ये भी बहुत पुराने डिज़ाइन है ये जो होता है, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी थी पहले, पर मैंने चेंज कर दी क्योंकि पर ये अच्छी है ये भी, ठीक है। एक ये है इसका डिज़ाइन, और एक ये है, ये देखो पुरानी, ये नहीं ये तो इसी की हो गई, सॉरी माई मिस्टेक। एक ये देखो, ये छोटी वाली है, उल्टी बना दी, ये देखो ठीक है। एक ये भी है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको जाल वर्क बोलते हैं शायद, तो और ये भी बहुत कंफर्टेबल है, इसी कुछ भी किसी भी चीज़ में अलस्ती नहीं है, मतलब कपड़ों में कोई अलस्ती वलस्ती नहीं है, बहुत अच्छी लगती है पहनने पे, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको पहन के दिखाती हूँ, अच्छा वो वाली मैंने आपको पहन के नहीं दिखाई, वो भी अभी आपको पहन के दिखाती हूँ, ये देखो बोलते हैं। और इसमें देखो ये वाला, इसमें लॉक सिस्टम है, ये वाला, ये इसका लॉक सिस्टम है, ठीक है। ये मेरी 12 साल पुरानी, मेरे पापा ने मुझे शादी पे दी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, मैंने अब तक रखी हुई है। और पहनने पे भी बहुत सुंदर लगती है, जब मेहंदी लगे पैर थे शादी पे, बहुत सुंदर लगती थी, देखो ठीक है। ये मेरी शादी की है और ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, और मैं इसे जब तक रख सकती हूँ तब तक रखूँगी, और हो सकता है मैं अपनी शादी में अपनी बेटी को दूँ, पर नहीं दूँगी, पर देखते हैं, अपनी बहू को दूँगी, ठीक है। देखो सॉरी मेरे बच्चे आ गए थे इसलिए मुझे बीच में कट करनी पड़ी, तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली। तो एक ये देखिए, इसमें बिछुआ अटैच है, ठीक है, हथफुल की तरह होती है बिल्कुल, और मेहंदी लगे पैरों में ये बहुत अच्छी लगती है अटैच करके, बहुत सुंदर लगती है सच्ची में, एकदम बिछुए के साथ, और नंगे पैर भी होते हैं तो बहुत फैशनेबल भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, मुझे भी और बबीता बहन को भी, तो हम दोनों को तो पर्सनली बहुत पसंद है, बट अब ये चल मिली नहीं मुझे इस बार, वरना तो अच्छी लगती है, पर श्योर ठीक है। ये भी मैंने करवा चौथ पे ही ली थी हमने। और एक है ये वाली, ये देखिए, इन्हें 6-7 साल पहले हमने ये ली थी, और ये जो है ये देखो, ठीक है, ये भी बिछुए को अटैच करके, और ये इस पे देखो महावर भी लगा हुआ है, जो हमने उस पे लगाया था करवा चौथ पे, जो महावर लगा हुआ है, और ये बहुत सुंदर लगती है पहनने पे, अभी मैंने पहनी हुई है, मैंने आप पहन के दिखाती, बिछुए के साथ दिखाई देती हूँ, चलो आपको दिखाती हूँ ये। ये बड़े वाले घुंघरू नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं बचती है, थोड़ी बचती है। एंड आजकल जो पायल है उनमें सब में जो है ये वाला लॉकिंग सिस्टम आ रहा है, ये वाला, पहले हुक आते थे वो हुक नहीं आते, अब जो एस लॉक होता था जिसको एस लॉक बोलते थे, बट अब वो नहीं आता, अब ये वाला लॉक आता है।
एंड ये देखिए बहुत सुंदर लगती है। इसमें पीछे भी देखो ये मिरर सा दे रखा है, जिसे मिरर फिनिश दे रखी है, जो कि आपको इरिटेट ना करे, ताकि कोई चीज आपको चुभे ना। और ये बहुत कंफर्टेबल है और सच में अच्छी है। एंड एक ये है, ये देखिए, क्योंकि देखो डेली यूज में तो हम जो है हल्की वाली ही पहनते हैं, जैसे कि मैंने अभी तक अभी पहनी हुई है ये वाली लाइटली, तो लाइट वाली ये देख लो जो लाइट है वो पहनी हुई है, जो कि हम एक साल में तक पहनते हैं, एक साल में जब तक। और ये है ओकेजनली वाली, जो बड़ी बड़ी शादियों में अच्छी लगती है, पैर भरे भरे से लगते हैं और बहुत सुंदर लगती है, ये देखिए। और मैं कभी भी सुनार पे, जैसे कि मेरी आपको ये दिख रही है ये वाली, और इस वाली में देखो, क्योंकि ये अभी पहनी नहीं है, मतलब एक आध बार पहनी है, पर पानी नहीं लगाया, और पानी लग जाता है तो वो हो जाती है ऐसी, क्योंकि जब मैं दुल्हन थी तो ये मैंने पहनी थी, बहुत टाइम तक पहनी थी, तो ये जो है थोड़ी काली सी पड़ जाती है, पर आजकल तो एंटीक लुक आ रहा है इनका। बट मैं हम जो है कभी भी सुनार के यहाँ पे जाके इनको ठीक नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं, मतलब साफ नहीं करवाते हैं, क्योंकि मेरी हमारी मम्मी जी, यानी कि हमारी मम्मी जी घर वाली भी और यहाँ वाली भी कहती है कि सुनार जो है चांदी को झाड़ लेते हैं। तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं, या तो कॉलगेट से, कॉलगेट लेके वाइट वाला जो कॉलगेट होता है, कॉलगेट टूथपेस्ट और ब्रश से इसको क्लीन कर देते हैं जब पहननी होती है, 2-3 मिनट से, और एकदम क्लीन हो जाती है उसके। और एक है चाय पत्ती वाला, जो कि बोलता बहन ने दिवाली पे जिससे सफाई की थी, चाय पत्ती के पानी, चाय पत्ती को उबाल के उसके पानी में जो साफ किया था, एकदम चमक गई थी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना कि कैसे साफ करते हैं। बट हम कभी भी सुनार पे नहीं जाते हैं इनको क्लीन करवाने के लिए, ठीक है। हम जब पहनी होती है उससे 10-15 मिनट पहले या एक दिन पहले इनको साफ कर लेते हैं, अपने आप साफ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए भाई सुनार पे मत जाओ, चांदी झाड़ लेंगे, हमारी मम्मी जी वाली बात है, ठीक है। और लास्ट ये देखिए, इनको बोलते हैं शैतान पांजे। क्या बोलते हैं? शैतान पांजे, यानी कि ये जब शैतान होता है ना, ऐसे टीवी फिल्मों में आती है छन 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 इस तरह से, ये बहुत बाजती है, और मेरी बहन बबीता इसको शादियों में पहन के बहुत मटकती है, ठीक है। ये जो है हमारी खानदानी पायल है, इसको हम खानदानी बोल सकते हैं। खानदानी क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये पायल मेरी नानी ने दी थी मेरी बड़ी मम्मी को, और बड़ी मम्मी ने दी थी ये मुझे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी खानदानी पाजेब, और मैं इसे दूंगी अपनी बेटी को, ठीक, और वो मेरी बेटी देगी अपनी बेटी को, ठीक है। तो ये हो जाएगी खानदानी, टीवी में होता है ना, ये हमारा खानदानी हार है, ये हमारी खानदानी पायल है, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर लगती है, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, ये तो सच में बहुत सुंदर लगती है, जब इन्हें चमक जाती है ना ये, तब और ज़्यादा। तो सोचो कितने साल पुरानी होगी, मेरी दादी ने, मेरी नानी ने मेरी मम्मी को दी, मेरी मम्मी ने मुझे दी, तो इनको देखो, ठीक है, कितनी सुंदर लगती। छन 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 छन, बस लगता है कि हाँ भाई कोई बहू आ रही है, ठीक है। तो ये है मेरी लास्ट पायल, कैसा लगा आपको हमारी जो है पायल का कलेक्शन? अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर से एक थम तो दे ही देना, थम्स अप। तो अच्छा लगा है, अच्छा ही लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है अपने लिए बनवानी हो तो स्क्रीनशॉट लेके बनवा सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन भी है, बट फिर भी आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड शादी या इन्जॉय कीजिए, खाइए, पेट अपना है, माल पराया है, इसलिए ध्यान से खाइएगा, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। एक बिना मांगे एडवाइस और देती हूँ फ्री में, आई नो फ्री की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी कभी भी अगर आप अपनी पायलों को, या एक पायल है आपने पहनी है, और पहले तो जो ओकेजनली होती है उनमें पानी नहीं लगना चाहिए, यानी कि आप नहाने से पहले उतार दो, नहीं तो काली नहीं पड़ती अगर पानी ना लगे तो। और दूसरी चीज़, इनको हमेशा ऐसी जो पॉलीथिन्स होती है ना, ये जिप लॉक वाली, इनमें रखनी चाहिए, ताकि ये सेफ रहे, मतलब जो है ऐसी ही चमकती रहे, जिससे कि काली नहीं पड़ती। ये तो सुनार भैया बोलते हैं कि इनमें इनको रखो तो ये काली नहीं पड़ती है, तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है, आपको भी वैसे पता होगी, कभी खाली मत छोड़िए, क्योंकि हवा पानी लगता है, आई मीन हवा वगैरह लगती है, तो ये जो है गंदी हो जाती है, और फिर सफ करो, ये करो, वो करो, तो इसलिए हमेशा थोड़ी सी केयर के साथ इनको आप रख सकते हैं, और हमेशा चमकती रहेंगी। एंड थैंक यू गाइज, बाय बाय।